गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू फिजिकल एजुकेशन यूनिट 6। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग। कि इसके टाइप्स क्या हैं और ये क्या होते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। रॉक क्लाइंबिंग। Rock climbing is one of the most dangerous sports activities which requires a strong mental control, agility, flexibility, endurance and various coordinative abilities such as balance, coordination, reaction ability, rhythm, etc. In fact, it is an activity in which participants climb on natural rock formations or on artificial rock walls. The goal is to reach at the apex or summit of a formation. तो इसका मतलब ये है कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसके प्रकार क्या हैं। वो हैं रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग। विभिन्न प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स नीचे दिए गए हैं। रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग एक सबसे खतरनाक खेल गतिविधियों में से एक माना जाता है, जिसमें एक मजबूत मानसिक नियंत्रण, चपलता, लचीलापन, धीरज और संतुलन होना जरूरी होता है। जैसे विभिन्न समन्वयकारी क्षमताओं की आवश्यकता होती है। वास्तव में यह एक गतिविधि है जिसमें प्रतिभागी प्राकृतिक रॉक संरचनाओं या कृत्रिम रॉक दीवारों पर चढ़ते हैं। जैसे देखा होगा आपने, दीवारों पर चढ़ते हैं, वो रॉक क्लाइंबिंग होता है। लक्ष्य होता है इसका कि 40 के शीर्ष या शिखर पर पहुंचने के लिए, मतलब उन्हें मतलब ऊपर बिल्कुल अपने गोल पे पहुंचना पड़ता है, ये उनका लक्ष्य होता है। ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज़ एन एडवेंचर स्पोर्ट्स। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू ट्रैकिंग एंड इट इन नीड्स अ लॉट ऑफ कवरेज एंड कॉन्फिडेंस अलॉन्ग विद अ स्ट्रॉन्ग फिजिक। A trek is a long journey on foot, especially in the mountains. Trekking refers to making the long and difficult journey on the mountains for pleasure or sport. Trekking is a part of adventure travel and expedition. The duration of trekking can be as less as a day to over a month. It depends on the particular reason, personal interest and physical fitness or participants. It is better to make trekking trips in groups with appropriate planning. Trekking is a beneficial adventurous activity for every individual. It helps in building self-confidence. It improves the cardiovascular system. It also improves the general health condition. Types of trekking. There are following type of trekking: easy trekking, moderate trekking and strenuous trekking. Easy trekking. The individual, especially the beginners, are offered easy treks. There is no different climbing. It means there is no climbing on high altitudes. Such treks usually provide colorful visuals of the whole series of mountain ranges. Moderate trekking. Moderate treks are slightly difficult and challenging than easy treks. For moderate trekking, the participant or trekker should be more energetic. Such trekking is usually longer than roughly 10 days of walking up and down. It is usually arranged on slightly higher altitudes. Strenuous trekking. Strenuous trekking needs a lot of physical effort, energy and determination. Is such type of trekking some previous experience in mountain. तो इसके बारे में आपको बताएंगे, ट्रैकिंग एक साहसिक खेल है। ट्रैकिंग करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। वास्तव में यह एक मजबूत काया के साथ साथ बहुत अधिक साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। एक ट्रैक लंबी पैदल यात्रा है, खासकर पहाड़ों में। ट्रैकिंग का अर्थ है खुशी या खेल के लिए पहाड़ों पर लंबी और कठिन यात्रा करना। ट्रैकिंग साहसिक यात्रा और अभियान का एक हिस्सा है। ट्रैकिंग की अवधि महीने में एक दिन में भी कम हो सकती है। यह प्रतिभागियों के विषय क्षेत्र, व्यक्तिगत रुचि और शारीरिक फिटनेस पर निर्भर करता है। उचित योजना के साथ समूहों में ट्रैकिंग यात्राएं करना बेहतर है। ट्रैकिंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक साहसिक गतिविधि है। यह
महत्व और ऊर्जा की जरूरत नहीं आवश्यकता होती है। पहाड़ में इस तरह के पिछले अनुभव के लिए कुछ प्रकार के ट्रैकिंग बताए गए हैं।